हिस्टैरिसिस के अंदर सॉफ्ट आयरन और स्टील के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम। हिस्टैरिसिस के अंदर ये रिटेंटिविटी क्या है, कोर्सिविटी क्या है, ये हमने डिस्कस की थी। रिटेंटिविटी का मतलब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म था, बचा हुआ मैग्नेटिज्म। कोर्सिविटी वो एच की वैल्यू जब मैग्नेटिज्म जीरो हो जाता है। तो ये नहीं करवाया था मैंने, बस ये हाईलाइट कर लेना, जाते हुए पढ़ लेना कि परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी और रिटेंटिविटी मतलब म्यू आर की वैल्यू, काई की वैल्यू और रिटेंटिविटी का मतलब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वैल्यू ग्रेटर है सॉफ्ट आयरन की एज कंपेयर टू स्टील। आता है पेपर में सॉफ्ट आयरन स्टील का कंपैरिजन के ऊपर ऑब्जेक्टिव, पक्का आएगा सीबीएसई में। तो ये प्रॉपर्टी नोट कर लेना। और कोएर्सिविटी और हिस्टैरिसिस लॉस सॉफ्ट आयरन में कम होता है एज कंपेयर टू स्टील। हर हालत में सॉफ्ट आयरन स्टील से बेटर प्रोडक्ट है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत बढ़िया है इसकी सॉफ्ट आयरन की, क्योंकि जो चीज ज्यादा होनी चाहिए वो ज्यादा है, जो कम होनी चाहिए वो इसकी कम है, लॉस भी कम है इसमें। ठीक, ये प्रॉपर्टीज को हाईलाइट कर लेना। ये हमने कर लिया। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या चाहिए, सब हो गया।